हेलो फ्रेंड्स, मिराज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इसको चलाते रहना है। सूजी लड्डू को आप किसी भी फेस्टिवल में भी बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। ये सभी को पसंद भी आते हैं। देखिए, ये हल्का हल्का फ्राई हो रहे हैं। स्लो फ्लेम में रखना है ताकि ये जल ना जाए। देखिए, ये भी फ्राई हो गए। इसको अभी एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद ग्रेटेड किया हुआ कोकोनट पैन में रख के इसको भी लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। इसको भी दानेदार बनाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं सूजी लड्डू को। हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि गोटा ना होके दानेदार ही रहे। इसको भी स्लो फ्लेम में रख के फ्राई करना है। देखिए, फ्राई होते आ रहे हैं। बहुत अच्छे से फ्राई करना है। देखिए, ये भी फ्राई होते आ रहे हैं। इसको भी अभी एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हाफ कप मिल्क डालेंगे। पाउडर करके डालेंगे।
मेल्ट हो जाए। इसको तब तक चलाते रहना है जब तक शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसको चलाते रहना है। गैस मीडियम फ्लेम में रखना है। देखिए बबल्स भी आने लगे हैं। थोड़ा आठे जैसे रहना है। ताकि लड्डू हमारे अच्छे बन पाए। करेंगे ठंडा होने तक वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए लड्डू बनाते हैं। देखिए लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। गोल गोल लड्डू बन रहे हैं हमारे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे गोला गोला बना के सब लड्डू बनाएंगे। देखिए लड्डू बन गया है। ये लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी एक बार घर में ट्राई करके देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए और आपके फ्रेंड और फैमिली से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।